सिंगरौली पुलिस कप्तान वीरेंद्र सिंह के निर्देश पर सरई थाना प्रभारी शंकर द्विवेदी ने अवैध रेत की चोरी व परिवहन करने वाले दो ट्रैक्टरों के साथ 6 रेत माफियाओं के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। सभी आरोपी सरई के विभिन्न गांवों के बताए जा रहे हैं। उपभीर की सूचना पर सरई पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इन सभी 6 अवैध रेत तस्करों के साथ 2 ट्रैक्टर भी जब्त किए हैं। इनके खिलाफ विभिन्न धाराओं व खनिज अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। दरअसल जिले में जून से सितंबर तक बरसात की वजह से प्रदेश सरकार के निर्देश पर बालू की खदानें, बरसात के सीजन में लोगों को रेत की आवश्यकता पड़ती है। लोग बरसात के सीजन में घर बनाते हैं, उसी का फायदा उठाते हुए रेत माफिया अवैध रूप से तस्करी करके लोगों से ज़्यादा पैसे वसूलते हैं। ऐसे में रेत माफियाओं के खिलाफ पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र सिंह के निर्देश पर सरई थाना प्रभारी संयधर द्विवेदी के साथ ही जिले के समस्त थाना प्रभारी लगातार ऐसे रेत माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। थाना सरई अंतर्गत ग्राम गजरा बहरा और खनवा में आसपास अवैध रेत उत्खनन के संबंध में सूचनाएं प्राप्त हो रही थी। इस संबंध में पुलिस ने अपने मुखबिर लगा रखे थे और दिनांक 12/7/2020 की रात में पुलिस में खबर आई कि खनवा नाला में अवैध ट्रैक्टर से उत्खनन किया जाना है। पुलिस पार्टी थाने से निकली तो रेलवे गेट के पास दो लोग संदिग्ध हालत में मिले। जब उनसे पूछताछ की गई तो पता चला कि रेत माफिया ने अपने आदमी लगा रखे हैं पुलिस का लोकेशन देने के लिए। उनसे बातचीत के बाद ये बात साफ हुई कि वहां ट्रैक्टर लगे हुए हैं और पुलिस ने रेड किया, जिस पे 6 आरोपी और 2 ट्रैक्टर मौके से पकड़े गए। इनके विरुद्ध रेत के अवैध उत्खनन और रेत चोरी के संबंध में धारा 389/411 IPC और 421 खनिज अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में रेत उत्खनन माफिया के विरुद्ध कार्रवाई यहां लगातार जारी रहेगी और रेत उत्खनन होने नहीं दिया जाएगा। सिंगरौली से उपेंद्र बेगरी को